अभी सुबह का 7 बज रहा, आज भी 5:30 बजे से जागे हुए हैं। मम्मी भी मम्मी तो जल्दी ही जागती है हमेशा, बस तबीयत कभी कल बहुत खराब होता तो सोए रहती है। मम्मी भी जाग के अपना काम वाम खत्म करके किचन में घुस गई है। किचन में भी लौकी का सब्जी बनेगा सुबह, लौकी कटिंग कर रही है मम्मी। दिखाते हैं आप लोग को मम्मी क्या कर रही है, टफी क्या कर रहा है। पत्तू सोया है, टफी भी सोया है, टफी को मम्मी नहला दी है। हम भी अपना घर पोछा ओछा कर लिए। कल जो हवा चल रहा था डास्ट, बाप रे बाप, इतना काला, वही पोछने में इतना लेट हो गया। यहाँ बड़ी डास्ट उड़ता है, क्या करिएगा, रहना तो यहीं पड़ेगा। देखिए मम्मी लौकी कटिंग कर रही है। गुड मॉर्निंग, हाय फ्रेंड्स, आप आपके परिवार कैसे हैं? जरूर अच्छे होंगे, खुश होंगे भगवान का आशीर्वाद से। सुबह का अभी 7:30 हो रहा है। मेरा रोज का काम खत्म करके नहा धो करके पूजा भी करनी है। नाश्ता के लिए लौकी कट रहे हैं। सोमा भी आज जल्दी से जाके ही घर झाड़ू पोछा सब कर ली है। आज ही सिर्फ जागे ना, कभी कभी लेट उठती है, आज भी जल्दी जागी है। रात का ये सब्जी हम वही खाएंगे, लौकी नहीं खाएंगे हम। मेरा फेवरेट सब्जी है वो है सोया बड़ी। लौकी कटिंग हो गया है, मम्मी खुद हो गया। देखिए छत में और एक भिंडी हुआ था और दो गो हो रहा है, लेकिन वो अभी इतना साइज का है, छोटा छोटा। 6 गो भिंडी दे दिया, 6 गो की उससे ज्यादा दिया, 6-7 गो होगा। हाँ, और इधर केला लाए हैं भैया, और इधर किशमिश, और ये काला चना है कच्चा वाला, और ये भुंजा वाला है। इसको क्या बोलते हैं मम्मी, हैं इसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं मूंग है, मेरे को उतना नहीं पता इसीलिए पूछे हैं। वही सब है अंदर, हम बोल रहे वही सब है, भुंजा चना, कच्चा चना, और एक किशमिश और केला है। और कल रात का कितना सारा रोटी है, सब्जी भी है, सब्जी सोया बड़ी हम खा लेंगे। हम तो बोले लालू बच्चा ठो आ गया, आ गया। ओ देखिए डॉगी बच्चा ठो, ओ देखिए खोज रहे थे, चलते उसको माँ का पीछे पीछे भागा भागा भागा। भैया एक माजा का बोतल भी लाए हैं, जा रहे उसको पियेंगे हम। अभी नींबू वाला शरबत नहीं पियेंगे आज, ज़्यादा ठंडा भी बर्दाश्त नहीं होता। कल गला का नस सब इधर फूल गया था मेरा। मम्मी को बहुत पसंद है, मेरे को तो ये पसंद है जो हार्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक। डोगी लोगों मम्मी यहाँ से रोटी दे रही है, फिर इसको पी लेते हैं। ज़्यादा नहीं लिए, इतना ही लिए, क्योंकि हम माजा ज़्यादा पी नहीं सकते हैं। मम्मी को बोले तो मम्मी बोली नहीं अभी नहीं पियेंगे, मम्मी तब तक केला और रोटी खाएगी, क्योंकि दवाई खाएगी। इसीलिए किचन साफ करना पड़ेगा, किचन बहुत गंदा हो गया है, लेकिन बारिश ही नहीं हो रहा है। बारिश जब तक नहीं होगा यहाँ तब तक डस्ट उड़ते ही रहेगा ना माँ। तबीयत भी मेरा थोड़ा ठीक हो जाएगा, और अगर बारिश भी हो जाएगा डस्ट मतलब उड़ना थोड़ा खत्म हो जाएगा, तब किचन साफ करेंगे। अभी हम दवा खा रहे हैं। दवा खाए नहीं, खाएंगे दवा खाएंगे, रोटी खा ले रहे हैं काल का रोटी, अभी नहीं बनाए, सब्जी चढ़ाए हैं। और हम इधर ड्रिंक कर रहे हैं, ड्रिंक नशा चढ़ गया। जो सामान आया था सब ठीक से रख दिए, जगह नहीं हो रहा क्या? तो रोटी बना नहीं है, बनेगा। इधर उबल रहा है सब्जी, अभी लौकी धुआं निकल रहा है, धुआं। सुबह का ब्रेकफास्ट बन के रेडी हो गया है, लौकी का सब्जी बना है, केला, और रात का ये सोया आलू बड़ी सब्जी और रोटी। चले ब्रेकफास्ट करने, अभी अपने करिएगा, हम रोटी बना दिए है ना। ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट का बर्तन भी धो दिए हैं। मम्मी अभी सब्जी कटिंग कर रही है, इधर आलू बैगन और सजना का डंठी, टमाटर भी मिक्स करेगी मम्मी, निकाल दिए। इधर अभी पूरा कचरा है, क्योंकि मिट्टू कचरा करके गया है, वो रूम गया है, ए रूम गया है अभी। आज क्या बनेगा मम्मी? दाल चढ़ाए, ये सब काटते हैं, देखते हैं क्या बनता है, फिर प्याज काटते हैं। मम्मी को थोड़ा मैंगो जूस दिए, मजा नहीं देंगे।
नाश्ता करने का बाद सब्जी उब्जी काट के मूंग दाल बना दिए हैं। बेटा का दाल नहीं होने से नहीं खाना खाता है, उसको कड़ी पसंद नहीं है, मछली वाला कड़ी बनाते हैं बीच बीच में, हम ही लोगों को खाने मन करता, मेरा भी तबीयत ठीक नहीं है, कड़ी खाने को मन नहीं है, दाल भात ही ठीक लग रहा है। और इधर सजनी डंठी और आलू बैगन मछली का मुंडी देखे, ये कड़ी नहीं है, सूखा सूखा है बनाए हैं। और ये नींबू देखे खट्टा बनाए हैं, नींबू मछली का खट्टा बनाए हैं। और ये मछली का सोसो बनाए हैं फिश फ्राई, सबका अलग अलग फरमाइश में किए हैं। सरसों बेटा पसंद करते हैं, हस्बैंड पसंद करते हैं, ये फिश फ्राई खाती है इसका ये, और खट्टा वाला अपना भी है, बेटी को भी पसंद है और हस्बैंड भी खाते, बेटा खाली नहीं खाता। आज हम क्या खाएंगे बताइए तो, चॉइस नहीं कर पा रहे। आज का लंच का मेनू यही है, इधर चावल पानी चढ़ाए, अभी चावल नहीं धो के डाले हैं, सोमा शर्ट बना रही थी उसी में भी बिजी थे, अभी नाश्ता का ये नाश्ता सॉरी जो लंच बनाए वो कढ़ाई उढ़ाई ये मिक्सर का ग्राइंडर का ये सब। मम्मी ऐसे ऐसे सब्जी बनाते हैं, चावल खाए बिना नहीं रह सकते। बोलो 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 इसमें। मम्मी ऐसे ऐसे सब्जी बनाती है, चावल खाए बिना नहीं रह सकते। लेकिन वो चावल खाने नहीं सोचती है, डाइटिंग करती है, एक एक रोटी खाके, जब धूप में जाएगी कहीं गिर जाएगी तब उसको समझ में। बोल रही है सोमा ऐसे ऐसे सब्जी बनाती है मम्मी, नहीं खा के नहीं रह पाते हैं, लेकिन वो डाइटिंग करती है, एक एक रोटी खाती, कहीं गिर जाएगी तब समझ में आ जाएगा। हाँ मैं ये बात बोल रहे हैं उसको, खाना नहीं खाएगी डाइटिंग करेगी, लेकिन ठंडा पीने में जरूरी नहीं। हम लोग का घर का सामने में उनका घर में ठंडा मतलब कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं, उसका उनका घर से जाके एक एक ठो लाता और खुद पी जाता, फ्रिज में रहता वो भी पी जाती है। और नहाना शाम को चार रोटी बनाए, दस रोटी बनाए, बीस रोटी, नहाना जरूरी है। और ऊपर से कहीं जाता है कुछ खाए नहीं खाए कोल्ड ड्रिंक पिएगी, जो उसका लिए नुकसान है, वही ठंडी पिएगी खाना खाए, ये नहाएगी लेकिन खाना नहीं। नहाना जरूरी है, नहीं नहाएंगे गर्मी में भी नहीं नहाए, नहा दो से तीन बार ना देखते आप, सुबह भी नींद से जाग के नहाएंगे। हाँ दोपहर को एक बार, सुबह एक बार, शाम को एक बार, तीन। मेरा तबीयत खराब है तभी भी हम खड़ा होकर उसको करने नहीं देते हैं, गर्मी में जल जाता उसका शरीर, गला उला थोड़ा गर्मी में, ठंडी पीने से भी नुकसान है, तभी भी हम खड़ा होकर खाना बना रहे हैं, वो खाना नहीं खाएगी लेकिन ठंडा पी। अभी केला खा लिया है, केला भी उसका लिए डॉक्टर मना किए हैं, छोटा में बहुत सर्दी खांसी होता था, एलर्जी है केला से, एलर्जी केला। तभी कितना गो, दो गो खाई ना, तीन गो, एक गो खाए, एक को तो दिए कसम से, एक गो दिए, एक गो खाई है, क्यों ना उसको दिक्कत है इसीलिए, वो खाएगी हम क्या नहीं, नहीं खाए, रात को खाएंगे, रात को खाई, एक गो खाई, फिर ये माजा पी पी, माजा पिए हैं लेकिन केला एक गो खाए हैं, केला दो गो नहीं खाए। हाँ ठीक है जाओ, नहाएगा दो बार हो गया, एक बार ना, अभी दो बज रहा है। देखिए आज का मौसम ठीक है, मौसम आज का गर्मी नहीं है, लेकिन तब पर भी थोड़ा थोड़ा ये लग रहा, मतलब चल के कहीं जाने से गर्मी लगेगा, बाइक कार ये सब में जाने से गर्मी नहीं लगेगा। ये पता नहीं खाएगा कि नहीं, इसका पेट थोड़ा खराब है। हम चले बर्तन धोने, लंच आज लंच किए हैं, आज लंच किए हैं लंच किए हैं हम, खाएगा शायद वो तब पर भी, सुबह से कुछ नहीं खाया, आसमान में बादल है लेकिन बारिश नहीं हो रहा, कल तो ऐसे हवा ऐसा बादल ऐसा बिजली गरजा की लगा जैसे बारिश इतना होगा कि हम लोग का यहाँ क्या होगा मम्मी, बाढ़ आ जाएगा कुछ नहीं हुआ। मम्मी जा रही बाहर, वाला लोग को बाहर डॉगी लोग को खाना देगी, हम बर्तन धोने चले। रात का भी 9:30 बज रहा है, शाम का 7:30 बजे से बारिश हो रहा है, देखिए पूरा पेड़ पौधा सब भींग गया, अभी भी बूंद बूंद बारिश हो रहा है, बादल तो गरज अभी भी रहा है, उसी से तो डर लगता मेरे को सबसे ज्यादा, हवा भी बहुत तेज चला, हवा भी बंद हो गया, थोड़ा थोड़ा हवा चल रहा, पावर नहीं था पावर आया। डिनर मम्मी चूड़ा केला दूध की, और हम थोड़ा उसी में से खा लिए ज्यादा नहीं किए, थोड़ा ही से खाना ठीक है, चावल खाए हैं क्योंकि लंच किए थे आज। मम्मी भी बर्तन धो रही इतना रात को 9:30 बजे, ये सुबह इतना काम रहता है कि अभी तो और बारिश हुआ भी काम और बढ़ गया, बाहर पूरा गंदगी हो गया। चलिए पेड़ पौधा को राहत मिला, बहुत बेचारा लोग तड़प रहा था गर्मी में, इंसान भी तड़प रहा था, राहत मिला इंसान लोग को भी और पेड़ पौधा सबको भी, पक्षी जानवर सबको राहत मिला, कुछ दिन के लिए, एक दो दिन के लिए ही सही राहत मिला।
एक दो दिन बाद फिर क्या होता है, देखिए धूप आएगा कि फिर बारिश आएगा पता नहीं। हम तो सो गए थे, थोड़ा देर के लिए सोए थे, ज्यादा नहीं, बहुत नींद लग रहा था आज, पता नहीं इतना ठंडा ठंडा हवा चल रहा था ना इसीलिए नींद लग रहा था। मम्मी बर्तन धो के आ जाएगी फिर आप लोग से बात करेगी। लंच करने के बाद दोपहर को नहीं सोए थे, माँ बेटी जागे थे, बहुत गर्मी था। शाम को जैसे है लूडो खेले, लूडो में सोमा जीत गई, हम हार गए। उसके बाद हम लोग बात करते करते हम सो गए। सोमा घर थोड़ा झाड़ू करके भगवान लोग को संध्या दी, आरती करी, उसका बाद थोड़ा बहुत बारिश हुआ। हम लोग अंदर में है तब तक सोमा मेरे को बुलाई, तोता जाके मेरे को काम मेरा कान को कट रहा था, तब सोमा बोले मम्मी का कान कट रहा, फिर मेरा संग जो शंका पहने है उसको कट रहा था। ऐसे करते करते हम लोग जाग गए, फिर थोड़ा बहुत आवाज या बारिश हो रहा सही से, बाहर में बहुत तेज से बारिश शुरू हो गया था और हवा भी। फिर माँ बेटी जाग गए, थोड़ा कबाड़ी के पास बैठे तो पावर भी कट गया, और पावर कट गया, कटने के बाद हम लोग माँ बेटी बैठे बैठे पूरा एकदम नींद में झुकने लगे, क्योंकि इतना दिन के बाद जो बारिश हुआ ना, नींद सोते तो रोज लेकिन बारिश होने के बाद शरीर जो ठंडी में कितना सुंदर जो लगा ना, वही लगते लगते नहीं लग गया शरीर को, ये आ गया क्या बोले ठंडक आ गया। तो इसीलिए हम लोग फिर ना ये बिस्तर मार के लेटे, फिर लेटते लेटते कोई अभी डिनर नहीं किए थे, डिनर बनाए नहीं थे। सोमा बोली पावर आएगा तब रोटी बनाएंगे, पावर आया ही नहीं है। फिर बेटा दिन को चावल नहीं खाया था, हम नहीं देखे थे, हम जानते हैं वो खा के गया। फिर बेटा चावल खाए, उसका सब्जी वब्जी सब था, हस्बैंड मिक्सचर मूढ़ी खीरा प्याज ये सब खाए। हम लोग माँ बेटी थोड़ा थोड़ा चूड़ा और केला गुड़ दूध, गुड़ नहीं चीनी से। सोमा पूछ रही थी गुड़ का ये काम नहीं, अभी गुड़ कौन तोड़ेगा, चीनी केला दूध ये सब देख के चूड़ा गुड़ खा, ये चूड़ा चीनी केला दूध देखे हम लोग खा लिए। टॉफी को दूध दे दिए, टॉफी को दूध इधर लगे, टॉफी को दूध दे दिए। डॉगी लोग को खाना देने गए थे, डॉगी लोग कहाँ गया बारिश में पता नहीं, बच्चा दो तो है ऑटो का नीचे, किसी का ऑटो का नीचे वहीं दे के आए। माँ आएगा तो रात को खाएगा, नहीं तो बारिश में वहीं चावल गिरा रहेगा, क्या करेंगे, कितना रात तक खड़ा रहेगा। अभी रात को 10 बज रहा था सुना, रात को अभी 10 बज रहा है। ठीक है, आज का ब्लॉग इन करते हैं, कल नए ब्लॉग में फिर आप लोग से मिलेंगे। खुश रहिए, अच्छा से रहिए, मेरा ब्लॉग जरूर देखिए, कहाँ देखा करते मेरा ब्लॉग, कम से कम मेरा ब्लॉग देखा करिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट कीजिए। गुड नाइट बाय। सुमा कुछ बोलेगी, नींद लग रहा, नींद मैं हम सो गए थे, आप लोग को बोले ना मम्मी जगाई। गुड नाइट बाय।